देखो आखिरी तरफ से कि भाई इतनी करीब पहुंच गए जिस चीज का आगे कोशिश है अगवा चीज पूरी हो, तो कारण बस ये कहूँ कि भाई वो एक नासर हमारे से ज्यादा लायक था उस चीज, अच्छा इसमें माननी पड़ेगी क्योंकि देखो उसका आप रिकॉर्ड उठाओगे तो मेरे ख्याल से तो कोई एक एशियन गेम्स के लिए हुई ट्रायल में पहलवान आतिश तोड़ करके आतों पहलवान रवि दहिया की हार से देश में कई लोग बहुत खुश हैं और इससे भी आगे बढ़कर बहुत से तो जश्न मना रहे हैं। और कई को तो मन ने ये कहते हुए सुना है मैंने कि हरियाणा की कुश्ती का ढलान शुरू हो गया है। मैं उनको बता दूं कि हरियाणा की कुश्ती का अगर ढलान शुरू होगा तो देश की कुश्ती का ढलान शुरू होगा। और साथियों, रवि चैंपियन पहलवान है। रवि पहलवान क्यों आ रहे? हार जीत तो खेल का हिस्सा है। रवि पहलवान पिछले कई महीनों से घुटने की लिगामेंट्स की चोट से परेशान थे। वो अखाड़े में टेक्निक प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन उनके जोर नहीं हो रहे थे। और आपको पता है कि कुश्ती में जोर मुख्य है, एक कसरत है। बगैर जोर के कोई पहलवान इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कामयाब नहीं हो सकता। तो रवि पहलवान की चोट के कारण उनकी ये हार हुई। फिर भी रवि कोई ऐसे पहलवान नहीं है कि भाई उनके दिमाग में ये बात हो क्यों हारे। ये शरीर हार्ड मास का शरीर है, कभी कोई जीत जाता है कभी कोई हार जाता है। और पावर गेम, कुश्ती पावर गेम है। पावर गेम में आप अपने आप को पूरा साल या कुछ वर्षों तक एक जैसा मेंटेन नहीं रख सकते, कभी उतराव चढ़ाव शरीर में चोट के कारण होते रहते हैं। और सभी को मालूम है कि 2-3 दिन पहले ही पहलवान रवि ने बॉम्बे में अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया है। और साथियों, मैं आपको बताऊं, हम दुआ करते हैं कि रवि कुछ महीनों बाद फिर मैट पर होगा और फिर उसी अंदाज में होगा जब वो ओलंपिक खेलने गया और वहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो हम चाहते हैं कि रवि पहलवान उसी अंदाज में आए। और जहां तक बात है हार की, कोई आतिश तोड़कर कोई साधारण पहलवान नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश में इतना कंपटीशन है। और दुख कहाँ होता है जब वो व्यक्ति जिनके घर में 10-20 दंड निकालने वाला नहीं, 10-20 दंड बैठक लगाने वाला नहीं, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेवकूफी करते हैं, और वो ऐसे चैंपियन पहलवानों की हार पर जश्न मनाते हैं, तब हमें दुख होता है। और साथियों, रवि पहलवान की मंजिल क्या है? आइए मैं आपको रवि की जबानी सुनवा दूं। कई चीजें हैं। अच्छा पहलवान जी, एक चीज बताओ, आप जो आपके दिमाग में जो मंजिल है ना, आज बहुत कुछ पा लिया आपने, वो आपने तो भाई आपने नहीं, वो उस चीज का घमंड नहीं है या दिमाग में नहीं है, लेकिन देश को, एशिया को, दुनिया को बता के बहुत कुछ पा लिया, लेकिन असली मंजिल आपके दिमाग में क्या है जो आज भी है, दुआ है? देखो असली तरह से कि भाई इतनी करीब पहुंच गए जिस चीज का आगे कोशिश है अगवा चीज पूरी हो, हाँ क्योंकि उसके इतने करीब चले गए तो बस ये रहता है कि अभी इतने करीब आ रहे हैं तो वो है, लेकिन ये नहीं है कि मान लो 24 महीने वह चीज पाली तो अगर आप कुश्ती छोड़ दोगे, ना ना कंटिन्यू रहेगी कुश्ती ना, जब तक नहीं लगा, मतलब हाँ देश नहीं लगा, भाई कोच साहब सब नहीं कर, परिवार आप सही नहीं बात है मान ना, लो, बिल्कुल कोई वो दिक्कत तो है, शरीर है चीज, अगर न्यूट्रिया ना दिख रहा, हाँ भाई ठीक है तो फिर ठीक है जरूर मतलब ठीक है। ये वो मैं आऊंगा उस फाइनल कुश्ती पर भी जो हुई थी ना, वो उस पर भी मैं बात मांगूंगा। मैं आपको ओलंपिक खेल में जो फाइनल कुश्ती हुई थी, जो गोल्ड मेडल बाउट थी, उसमें पूरे देश को, दुनिया को पता है कि रवि बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे थे और वो ऐसी कुश्ती थी जिसमें वो किसी भी तरफ जा सकती थी। फिर भी जिस पहलवान से रवि हारे उसके बारे में रवि पहलवान ने क्या कहा, आइए उन्हीं की जबानी सुनते। वो पहलवान जी के कारण था जो मेरे वो मतलब वो जच्चे नहीं था, न्यू होगा क्या कारण था वो?
कैसी बात बिगड़ी? देखो कारण बस ये कहूँ कि भाई वो एक ना सर कुमार से ज्यादा लायक था उस चीज। अच्छा, इसमें माननी पड़ेगी क्योंकि देखो उसका आप रिपोर्ट उठाओगे तो मेरे ख्याल से तो कोई एक आधी बाउट हुई होगी उसकी, जो मतलब न्यूज होगा कई साल से कंटिन्यू मतलब बहुत ही बेटर कर रहा था। वो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज़ है वो कोविड का टाइम भी उसका एक मान सकते हैं फायदा था, क्योंकि हमारे उस टाइम कोविड के टाइम पे हर चीज़ तकरीबन बंद हो गई थी, टूर्नामेंट बंद हो गए थे, उसके बाद खिलाड़ी भी हम 15-20 थे जो भी कर रहे थे थोड़ा बहुत पैसा नहीं जैसे भी हम दे दे। और उसके बाद जो ट्रेनिंग थी ओलंपिक लिए उसकी बहुत फ्री थी हमारी, क्योंकि मैं पोलैंड था खुद, मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए गया, मैं दो ढाई महीने रहे थे ओलंपिक के, तो मैं पोलैंड गया टूर्नामेंट तो मैं खेल लिया और काफ़ी मतलब ठीक खेल लिया। फिर वहाँ पे मतलब ऐसा फंस गए कि वहाँ से हमारा ये रहेगा कि हम जाइए रशिया के लिए चले जाए ट्रेनिंग करने के, तो 20-25 दिन तक तकरीबन 24-25 दिन तक हम वहीं फंसे रहे क्योंकि वीजा नहीं मिला, तो वीजे में उड़ सके हम चले गए रशिया। उसके बाद फिर रह गया एक महीना शायद ओलंपिक का, एक महीना 3-4 दिन हमारी कुश्ती हुई ओलंपिक की, नहीं कुश्ती हुई कुश्ती की शायद 4-5 की, तो हम रशिया चले गए। फिर उसके बाद चलो अब तो ठीक है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करी, दो दिन हुए थे तो तीसरे दिन फिर जो कट लग गया यहाँ से मतलब काफी इतना खुल गया था, लग गया था तो 12 दिन वो ले गया, फिर ठीक हुई, फिर ठूट कट लग गया, फिर वो ले गया था अब तक कंटिन्यू एक मतलब ऐसा बढ़ता रहा कि बस यही था। हाँ, पर मन में ये था कि यार मतलब खाली तो जाड़ा का मतलब कोई है ही नहीं, और अगर ना भी होगा पर अपने मतलब नहीं होता, हाँ खाली तो वो मैं कह सकूँ वो थोड़ा ना हमारे से ज़्यादा लायक था। उसका एक टारगेट हमारा तो 1-2 साल से 2-3 साल से था कि भाई उसके काफ़ी जो इंटरव्यू लिखे हमने काफ़ी जो कई चीज़ कई है मेरे साथ जो तो उन्होंने लिखे, तो उन्होंने बोला कि उसके इंटरव्यू 2011-12 में थे जो इंटरव्यू, तो उसने जब भी बोल रहे थे कि मैं उनका गोल्ड मेडलिस्ट तो हमने माना कि वो हमारे से मतलब ज़्यादा उसकी लक्ष्य बढ़ा था या फिर उसकी सोच बढ़ी थी, सोच ही बढ़ी थी। अच्छा एक चीज़ बताओ प्रणवी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, एक बड़प्पन वाली सब बेसिक वाले भाई वो थोड़ा सा अच्छा था, जो चीज़ अपने गला जो ही बीती वहाँ उस दौरान, अब आप खुद के एक भुगत भोगी अगर हम कहो 2024 में वे चीज़ ना हो ऐसा कुछ अपना हो गया भाई, तो वो चीज़ गलती ना हो रिपीट ना, बस यही लग रहे हैं कि भाई टारगेट के साथ लग रहे हैं हम तो। उसके बाद ये जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन एक दिन बाद ऐसा लगा रहे थे अब तुम लेकर करीब पहुँच गए, तो वो एक अचीवमेंट है वो कर लिया, तो एक मतलब बड़ा लक्ष्य बनाया उसके पीछे लग भी रहे हैं भाई पूरी तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कमी उन पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं, तो मतलब जो भी कमी लग रही है उन पर काफ़ी मतलब सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बस ये है कि भाई अब की बात तो शायद ना नहीं बहुत अच्छी बात, मतलब उन चीज़ों तक लिखेगी ना वे चीज़। आपकी लाइफ में कभी ऐसी स्थिति आई भगवान ना करे किसी की भी अब भाई ऐसा हो गया भैया खेल छोड़, ऐसा कोई सिर्फ खेल छोड़ने की तो ना आई, पर ये था कि यार मतलब ऐसा हो गया मतलब फंस सकता है मेरा, क्योंकि 2015 में अचीवमेंट मेरी ठीक थी, मैं जूनियर वर्ल्ड में मेडल आया था, मेरा मेडल आया ना तो वर्ल्ड मेडल आया ना, मेरे इंजरी हो गई थी काफ़ी ओवर आ रहे थे, रेल के भी आए मेरे पास एयरफोर्स के भी आए, तो तो आप उंगली टूट गई तो जल्दी नहीं, फिर उसके बाद वो मैं ली गई गई ऐसे ठीक होया तो फिर टाइम लाइड होगा कंटिन्यू ही हो गया, यार उन्होंने कोई गलती तो ना कर दिया नौकरी ना ले, यार फिर मन करीब आया मैं नौकरी मिल जाती तो यार फिर हो जाता कुछ वो में डाउन हो गई इंजरी टाइम। हाँ क्योंकि एक दो नहीं बाउट थी जो न्यूज भी हो गई, तो मतलब नए बच्चे थे हमारे से उनसे फिर भी पता लग गया बस के मतलब ऐसा कहना हो गया मतलब कुछ, फिर भी मेरे पास आर्मी के फिर भी ऊपर थे हाँ कि भाई तू आ गया, फिर मन में उठी यार क्यों एक कंपनी आ गई थी जो सपोर्ट कर लीजिए, तो भी कह रहे थे भाई कोई दिक्कत नहीं तो आप ट्रेनिंग हो गई, तो मतलब पिताजी के ऊपर थोड़ा बोझ हट गया था कि भाई खर्चे पानी का भी ये हो गया था भाई ठीक अभी ले, तो उस टाइम थोड़ा ये लगे मतलब एक आध साल ऐसा लगा कि मतलब गलत तो ना आ जाए, फिर काफ़ी बात हुई उसके बाद थोड़ा ध्यान दिया, तो उसके बाद आराम आराम से फिर लाया हमें काफ़ी 2017 में लाया ठीक आ गया। अब मैं एक बात और बताता हूं अंत में आपको कि
जो एशियन गेम्स की जो ट्रायल हुई है उसमें 76 साल कुश्ती के अंदर दिल्ली के 4 पहलवान फर्स्ट आए, जिनमें सुमित मलिक 125 किलो, दीपक पुनिया 86 किलो, अमन सहराव 57 किलो और 65 किलो में पहलवान काली रमन, ये चारों पहलवान फर्स्ट आए हैं। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बार बार महाबली सतपाल के बारे में बेउद्गी भरी बातें करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, 76 साल स्टेडियम के बारे में कुछ कुछ कहते हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। आज भी 76 साल स्टेडियम के 4 पहलवानों ने दिखा दिया। और अगर 65 किलो में बजरंग जाएंगे तो वो भी 76 साल के ही पहलवान।